मुद मंगल में संसमाच धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों चुर कबीर ने कहा है हो या बिहिस्त जो चित न डोलावे खसमा ही छाड़ दो को धावे आदमी सोचता है स्वर्ग मिल जाता स्वर्ग में पहुंच जाता तो कितना आनंद आता पुराणों में स्वर्ग और नरक का ऐसा चित्रण है कि स्वर्ग का चित्रण पढ़ कर के आदमी के मन में होता है कि कब उस स्वर्ग में जाकर रहने का अवसर मिले किसी से भी पूछो क्या तुम स्वर्ग जाना चाहोगे स्वर्ग में रहना चाहोगे तुम तो लोग तो कहीं भी हमारा ऐसा कहाँ सौभाग्य है लेकिन कोई कहने वाला नहीं मैं तुम्हें स्वर्ग तक ले जाने को तैयार हूँ तुम्हें निश्चित स्वर्ग मिल जाएगा तो भाई तो स्वर्ग में रहने का तो है तो ठीक है बहुत बढ़िया है हम जा, हम तैयार हैं कहे फिर तो चलो तो कहेंगे कहेंगे के, के, अभी थोड़े अभी मरने के बाद स्वर्ग चाहते भी हैं लोग लेकिन मरने के बाद अभी किसी कह दो चलो हम स्वर्ग तक पहुंचा देंगे तो लोग काप जाएंगे चाहेंगे नहीं कभी मरने के बाद जाएंगे लेकिन मरने के बाद कौन गया है, है? कौन देखा है कि मरने के बाद स्वर्ग जाता है कि नहीं जाता है जीते जी स्वर्ग का अनुभव और जीते जी स्वर्ग का अनुभव करने के लिए सचमुच में मरना पड़ेगा प्रश्न हो सकता है मर जाएंगे तो जीते जी स्वर्ग का अनुभव कैसे होगा और जीते जी अनुभव करना है तो मरना कैसे होगा लेकिन हकीकत यही है जीते जी स्वर्ग का अनुभव करना है तो मरना पड़ेगा वो मरना क्या है अहंकार कामना को छोड़ दे अहंकार को मार ले मन को मार ले झुक जाएं दूसरों से छोटा बन जाएं बस जीते जी स्वर्ग का अनुभव और जब तक अहंकार जीता रहेगा तब तक नरक का अनुभव नरक का अनुभव क्या नरक में निवास अहंकार नरक है द्वेष नरक है ईर्ष्या नरक है प्रेम समता एकता सहनशीलता यह स्वर्ग है और इसमें जीने के लिए अहंकार को मारना पड़ेगा मर जाए झुक जाए लेकिन अहंकार इसके लिए तैयार नहीं होता हमारी बात नहीं मानी गई हमारी बात काट दी गई बस अब दुखी है मन पीड़ित है उद्विग्न है इससे बड़ा नरक और कहाँ होगा तो जीते जी स्वरक का अनुभव हो सकता है सदगुरु उसी का रास्ता बताते हैं हो ये बिहिस्त जो चित्त न डोलावे चित्त को चंचल न करो चित्त को विकारी न बनाओ बस आज विशिष्ट स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है एक कल्पना मात्र है एक व्यंग चुटकुला याद आ गया एक आदमी स्वर्ग में पहुंचा स्वर्ग और नरक के बीच में केवल एक दीवाल का अंतर था उधर नरक इधर स्वर्ग दोनों गेट पास पास में तो एक आदमी बहुत पुण्य किया था दुनिया में तो मर करके स्वर्ग में गया भोजन का समय हुआ तब चार दिन की बासी पूरी और फफोन लगी हुई सब्जी सामने आ गई कहा कि ये क्या है कहा ये खाने का है भोजन यही है तो उन्होंने देखा कि उस समय नरक में गरम-गरम गरम, -गरम पूड़ी बन सुगंध आ रही थी सब्जी बंध उसकी सुगंध आ रही थी तो कहा उन्होंने कहा नरक में तो गरम-गरम गर्म पूरी बंद तले जा रही है अब यहाँ चार दिन की बात ही पूड़ी मुझे दे रहे हो ये कहते तो उन्होंने कहा देखो भाई बात ऐसी है हमारे यहाँ स्वर्ग में नियम है कि सप्ताह में हम एक दिन भोजन बनाते क्योंकि यहाँ आने वाले कमी रोज रोज भोजन कहाँ बनाकर क्या करेंगे सप्ताह में एक दिन बना देते हैं उसी को खिलाते रहते हैं और नरक में तो भीड़ लगी रहती है लाइन पे लाइन इसलिए चौबीसों घंटों कढ़ाई चढ़ी रहती है वहां पर यह सब व्यंग है तो साहब कहते हैं स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है स्वर्ग अपने अंदर है स्वर्ग का अर्थ होता भी क्या है गुरुदेव जी अनेक बार कहा करते थे स्वर्ग स्व वैसे संस्कृत का आप संधि विच्छेद करें तो बिल्कुल शाब्दिक अर्थ स्व ग स्व अपने आप गमन करना चले जाना अपने आप में लौट आना यही स्वर्ग है इस स्वर्ग का अर्थ है शाब्दिक अर्थ शब्दकोश के अनुसार व्याकरण के अनुसार अर्थ अपने में लौट आना स्वर्ग है अपने से अतिरिक्त जो कुछ है बाहरी जगत वो सब नरक है क्योंकि वहां परिवर्तनशीलता है दुख है दुख कहां मिलता है आदमी को अपने आप से दुख मिलता नहीं है दुख बाहर के संबंध से विकार बाहर के संबंध से कोई चीज हमारे सामने ना हो कुछ चीज हमें दिखाई ना पड़े तो लोभ होगा वस्तुओं को देख देख करके लोभ होता है ना कोई आदमी हमारे साथ ना हो अकेले हम रहते हों किसी से कोई संपर्क ना हो क्रोध होगा क्योंकि किसी से संपर्क ही नहीं है कोई प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा कोई भी, कुछ बिगड़ेगा नहीं तो क्रोध होगा नहीं साथ में कोई ना हो तो मोह किसके प्रति होगा तो दुनिया का जितना संबंध होता जाता है उतने हम दुखी होते जाते हैं उतने नरक में जीते हैं अपने आप में लौट आए मन को बाहर से मोड़ लिए, अपने में लौट आए स्वर्ग अपने में कौन दुख है अपने में कौन क्लेश है वहाँ न मिलना है न बिछुड़ना है न हानि है न लाभ है न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है एक रथ स्थिति सब समय असली स्वर्ग अपने मन को बाहर से मोड़ करके अंतर्मुख कर लेना अपने आत्मा राम में लगा देना ये असली स्वर्ग है और जीते जी इसका अनुभव होता है वैकुंठ विकुंठ हो, हो जाना वि रहित कुंठ कुंठा कुंठा रहित मन ग्रंथ रहित मन कॉम्प्लेक्स फ्री मन ये बैकुंठ बास तमाम प्रकार की ग्रंथियां हमारे मन में बनती रहती है देख देख करके राग की ग्रंथि द्वेष की ग्रंथि लोभ की क्रोध की मोह की ईर्षा की द्वेष की तमाम गांठें तमाम गांठें जितनी गांठें हम बनाते जाते हैं उतने नरक का अनुभव होता चला जाता है बिस्तर पर आप सोने जाएं, बिस्तर में जगह जगह गांठ पड़ी हुई हो हु। नींद कैसे आएगी बढ़िया स्वच्छ बिस्तर हो प्लेन बिस्तर तो नींद आती है गांठ पड़ी हो तो नींद नहीं आती है और मन में तमाम गांठ और गांठ हम स्वयं बनाते हैं दूसरा कोई नहीं बनाता अमुक के कारण ऐसा गा, गांठ बनी ऐसा नहीं दूसरा को दोष ना दें हमारा अविवेक हमारा अज्ञान हमारा अहंकार हमारा स्वार्थ हमारी कामना हमारी लिप्सा ये अज्ञान के कारण से ग्रंथियाँ बनती हैं गांठें बनती हैं जितना हम अपने को बड़ा मानते जाएंगे और जितनी हमारी कामना बढ़ती जाएगी उतनी उतनी अधिक गांठें बनती चली जाएगी अपने को बड़ा मानना छोड़ दें कुछ ना माने हम केवल मनुष्य हैं बस मनुष्य मान करके देखें चोट नहीं लगेगी और जहाँ कुछ बने चोट लगेगी कहते हैं इस अदुरु कबीर अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे अंधेरा हो गया तो सोचा कि अब अंधेरे में कहाँ जाए कहीं रुक जाए तो थोड़ी दूर पर एक बगीचा दिखाई पड़ा वहाँ एक बंगला बना हुआ था दोनों पहुँचे सदूर कबीर अपने शिष्य के साथ बंगला सुनसान दिखाई पड़ा राजा का बंगला था लेकिन कोई था नहीं हुई पहरेदार भी उस समय कहीं चला गया था कबीर साहब ने कहा देखो अब रात ज़्यादा हो रही है यहीं रुक जाते हैं जब एक कमरे में तुम निवास करो तुम सो जाओ एक कमरे में मैं सो जाता हूँ लेकिन देखना कुछ बनना मत कुछ भी ना बनना दोनों सो गए नींद लग गई थोड़ी देर में पहरेदार आया देखा एक कमरे में गए तो कबीर साहब का जो शिष्य था वो सोया हुआ दिखा साधु सो रहा है जगाया उठाया ए कौन हो कैसे आए हो यहाँ पर देखते तो तो नहीं हो मैं साधु हूँ तो एक धक्का दिया बड़ा साधु बना है साधु है तो के इसी महाराजा का बंगला बनाना चाहिए जाओ पैर के नीचे रहो धक्का देकर निकाल दिया अब बेचारे क्या करे गिरते पड़ते बाहर आए जहाँ कबीर साहब सोए थे वहाँ गए उनको जगाए ये कौन हो कैसे यहाँ सोए हो कबीर साहब कुछ नहीं किए अपना कुछ कहे नहीं अपना बिस्तर उठाए चुपचाप वहाँ से निकल आए दोनों की मुलाकात हुई तो शिष्य ने कहा साहब उसने मुझे धक्का दिया गाली भी दिया खूब डांटा फटकारा भी तो कबीर साहब ने कहा कुछ बने हो गए तुम नहीं साहब मैंने कुछ नहीं बना तो कहा अच्छा बताओ क्या बात हुई कहा कि वो आए मुझे जगाए पूछा तुम कौन हो मैंने कहा देखते नहीं हूँ मैं साधु हूँ साहब ने कहा साधु बने ना दिल धक्का खाए मैं तो कुछ नहीं बना मुझे जगह में चुपचाप निकल आया बस कुछ बनो बस धक्का खाना पड़ेगा बस हम साधारण मनुष्य हैं बस अपने को बिल्कुल खाली कर दें कुछ न बने किसी उपलब्धि से प्राणी से पदार्थ से पद से प्रतिष्ठा से नाम से रूप से कुछ न जोड़े जहां कहीं जोड़े बस वहीं से पीड़ा मिलेगी उसी के कारण पीड़ा मिलेगी बिल्कुल खाली बिल्कुल खाली जैसे घोड़ा कभी कभी अपने सिर को इधर हिला देता है तो शरीर को हिला देता है तो शरीर में जो धूल की चल रहते वो झड़ जाते हैं ऐसे अपने मन को हिला दो बिल्कुल किसी से ना जोड़ो किसी उपलब्धि से नहीं पद से नहीं प्रतिष्ठा से नहीं प्राणित नहीं पदार्थ नहीं यहाँ तक शरीर के नाम और रूप से भी नहीं व्यवहारिक दृष्टि से हम केवल मनुष्य मनुष्य बस और आध्यात्मिक दृष्टि से जीव चेतन है फिर कौन दुख होगा तो एकदम खाली जहां कुछ बनते हैं वहां मन में गांठ बनती चली गई और गांठ का अर्थ है नरक कुंठा कुंठारहित हो जाना ग्रंथि मुक्त हो जाना कोई गांठ नहीं मन में गांठ रहित मन में। एकदम सरल मन स्वच्छ मन यही बैकुंठ बात है ऐसा हम लोग करके देखें तो जीवन एकदम बदल जाएगा और जहां कुछ अपने को कुछ माने कुछ बने फिर जगह जगह ठोकर लगे ठोकर पर ठोकर लगेगी कोई ठोकर नहीं देगा हमारा अहंकार ही हमें ठोकर देगा अपने मन को इतना कोमल क्यों बना लें अपने को हम इतना बड़ा क्यों मान लें कि कोई हमें कुछ कह ही ना पाए जैसे अन्य लोग आदमी हैं वैसे हम भी आदमी हैं कोई योग्यता है कोई पद मिला है तो सेवा करने के लिए मिला है अहंकार गांठने के लिए नहीं हम सेवा नहीं कर पाते अहंकार गाट लेते हैं अपने को जोड़कर बड़ा मान लेते हैं अरे कितने बड़े बड़े लोग आए सब चले गए कब तक थोड़े दिनों में सारा संबंध समाप्त तो हो जाएगा उसी क्षणिक संबंध को लेकर के कितना राग द्वेष बना लेते हैं कितना अपने को जोड़ करके के बड़ा मानने लग जाते हैं तो गंथ रहित मन कुंठा रहित मन ये बैकुंठ बास ऐसा करके देखें आज बैकुंठ आज स्वर्ग मरने के बाद तो केवल कल्पना हर आदमी स्वर्ग में निवास कर सकता है दूसरे को न देखें दूसरा क्या कह रहा है कहने दो जिसका जो मन है ऐसा कहने दो किसी के कुछ कहने से हमारा बिगाड़ नहीं होता किसी के कुछ कहने से हमारा कुछ बनता नहीं है किसी ने गाली दे दी तो हमारा क्या बिगड़ेगा क्या घाटा हो जाएगा कोई हमें कितने भी गाली दे कितनी भी गाली दे कितनी निंदा करे सैकड़ों आदमी मिल करके आपकी निंदा कर रहा हो अपमान कर रहा हो आपको गाली दे रहा हो और सैकड़ों आदमी गाली देने के पश्चात अपने शरीर को वजन को तोलो तो एक को एक छटाक घटेगा नहीं और हजारों आदमी मिल करके प्रशंसा करे आपकी आरती करे वंदना करे और तोलो तो एक को छटाक बढ़ेगा नहीं लेकिन इतना हम अपने मन को बना लेते हैं इतना कमजोर बना लिए बस किसी ने कुछ निंदा कर दी किसी ने अनसुहाती बात कर दी प्रतिकूल बात कह दी एकदम मन दुखी 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 बोझिल बन गया मन नरक में डूब गए किसी ने हमारी थोड़ी प्रशंसा कर दी वाह साहब आप बड़े अच्छे हैं आप में ऐसे ऐसे गुण हैं आप ना होते तो ये काम ना हो पाता बस खुल गया मन एकदम प्रसन्नता करने वाले गुलाम बन गए वाह ये मन की कमजोरी यही हमें नरक में डुबाती है जिसको जैसा कहना वैसा कहने दो अपने को जोड़ो मत उससे हम जोड़ लेते हैं निंदा से जोड़ लेते हैं प्रशंसा से जोड़ लेते हैं सम्मान से जोड़ लेते हैं अपमान से जोड़ लेते हैं और जोड़े बस गुलाम बन गए हम कहते हैं हम गुलामी में नहीं रह सकते हम स्वतंत्र हैं कहां स्वतंत्र हैं निंदा से जुड़ गए दुखी हो गए गुलाम बन गए निंदा करने वाले गुलाम बन गए प्रशंसा से जुड़े प्रशंसा करने वाले पर फिदा हो गए गुलाम बन गए स्वतंत्र कहाँ रह, रह गए बाहर की परिस्थितियां यदि प्रभावित कर रही है हमको तो स्वतंत्र कहां है गुलाम है अपनी इस गुलामी को हम समझ नहीं पाते हैं अपने मन को ऐसा बनाएं कोई कुछ कहे शाम यही स्वर्ग में निवास करना है जीते जी मुक्ति का अनुभव करना है थधुर कबीर कहते हैं हो ये बिहिस्त जो चित न डोलावे चित को चंचल मत करो बस चित की चंचलता नरक चित्त की एकाग्रता चित्त की स्थिरता चित्त की निर्मलता ये स्वरग और ऐसा स्वरग है कि इसमें कोई क्लेश नहीं सब समय उड़ते बैठते खाते पीते सब समय सब समय आनंद आनंद प्रसन्नता प्रसन्नता लेकिन हम चित्त को चंचल बनाने के आदि आदमी सोच कितने लोग कहते हैं चित्त को शांत कर लें एकाग्र कर लें ये भी कोई जीवन है जड़ बन जाना है देखो जड़ चीज़ों को उस पर कोई मन नहीं है कोई इच्छा ही नहीं है जहाँ के तहाँ पड़ा है अरे चित्त को चंचल बना कर रखो देखो सुनो खाओ पियो यहाँ वहाँ की बात सोचो तो जीवन है अब बस अपने को मार लिए अपने को संयम कर लिए पत्थर बन गए कोई जीवन है ये तमाम विकारों में वासनाओं में अपने मन को उलझा करके रखो तो जीवन तो आनंद इसी पर महात्मा उदाहरण देते हैं एक चुटकुला रूप में कहते हैं एक विद्यालय में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे एक दिन नैतिक शिक्षा दे रहे थे कैसे जीना क्या करना है क्या नहीं करना है तो एक दिन उस दिन फिर अध्यापक ने बच्चों से कहा बच्चों तुम लोग अपने जीवन को नैतिक बनाना चाहते हो चरित्र बनाना चाहते हो तो कुछ लोग तुम लोग कुछ प्रण करो कुछ व्रत ले लो और उनसे बचो तो कहा ठीक है सर आप बताएं तो बच्चों ने कहा मैं तुम्हें कुछ संकल्प करवाना चाहता हूँ तुम मेरे संकल्प को सुनना और ये करना क्या बताए तो अध्यापक ने कहा बच्चों आज से तुम लोग ये संकल्प करो कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे बस मैं कहूँगा तुम लोग कहना हाँ सर नहीं बोलेंगे ऐसा कहना तो कहा ठीक है सर नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे फिर ये संकल्प करो कि हम जीवन में कभी जुआ नहीं खेलेंगे बच्चों का सर ठीक है सर नहीं खेलेंगे जुआ नहीं खेलेंगे जीवन में कभी अंडा मांस मछली नहीं खाए पिएंगे अंडा मांस मछली कभी खाएंगे नहीं कहता नहीं खाएंगे जीवन में कभी बीड़ी सिगरेट गांजा भांग शराब नहीं खाए पिएंगे कि सर नहीं खाएंगे क्या सब नहीं खाएंगे और फिर कहा जीवन में कभी किसी लड़की से छेड़खानी नहीं करेंगे तो लड़कों ने कहा था नहीं करेंगे नहीं करेंगे फिर बच और कैसे कहा फिर कहा बच्चों अब ये संकल्प हो देश के लिए अपनी जान को लड़ा देंगे कहाँ था जान लड़ा देंगे लड़ा देंगे देंगे ऐसी जान को रख करके करेंगे भी क्या अरे जो जुआ नहीं खेलना शराब नहीं पीना बीड़ी नहीं पीना छेड़खानी नहीं करना ऐसी जान को रख करके मुर्दा थोड़े बंदा जाए इसलिए तो देश के लिए ख़त्म ही कर दो अरे कुछ करो जुआ खेलो शराब पियो मांस खाओ कहीं कहीं नाली में गिरो कुछ चूहलबाजी करो तो तो जीवन है मन मन को मार लिए मुर्दा बन गए इसलिए अच्छा ही कि देश में लड़ा दो जीवन को फिर तो आदमी सोचता यह है कि मन को चंचल बना करके रखो तो जीवन अब भोग रहा है नरक सदगुरु कहते हैं हो ये बिहेष जो चित्त न डोलावे चित्त को चंचल मत करो स्थिर शांत मन को शांत करके देखें तो कितना आनंद आता है ऐसा आनंद ऐसी प्रसन्नता ऐसा सुख जिसे आप कभी अनुभव न किए हों और ये भी समझ लें दुनिया के भोगों में जो आनंद की कल्पना सुख की कल्पना होती है सुख का आभास होता है वह वस्तुतः उस भोग में नहीं है सुख व आनंद किंतु वह आनंद भी तभी मिलता है जब चित एकाग्र होता है चित एकाग्र ना हो तो दुनिया का बड़ा सा बड़ा भोग मिल जाए आपको आनंद और प्रसन्नता सुख का अनुभव नहीं हो सकता है जिसके लिए मन में बड़ी कामना है अमुक भोग मिले तो कामना हुई इस भोग को पाने के लिए मन उद्विग्न व्याकुल अब दुख का अनुभव हो रहा है जो चीज चाहते थे वो चीज मिल गई तो मिलने से कुछ देर के लिए चित्त की जो चंचलता थी व्याकुलता थी वो मिट गई जो वो मिट गई मन एकाग्र हो गया तो उसके मिलन में सुख का आनंद होता है और यदि इच्छित वस्तु मिल गई मन में चिंता हो गई मन चंचल हो गया कोई भय हो गया तो कितने इच्छित वस्तु को क्यों ना हो आपका दुख खत्म नहीं होगा कभी सुख का आनंद का अनुभव नहीं होगा प्रिय मित्र है उससे आप मिलना चाहते हैं वर्षों बाद मुलाकात होने वाली है और मुलाकात होगी मित्र को देखते ही आप बड़े प्रसन्न बड़े गदगद बड़े आनंदित लेकिन जिस समय आप मित्र से मिल रहे मित्र से मित्र से बात कर रहे हैं गला मिल रहे हैं उसी समय किसी ने आकर के कह दिया कि तुम्हारा बेटा कुआं में गिर गया आनंद आएगा खत्म आनंद ऐसे कोई भी भोग हो चित यदि चंचल हुआ भयभीत हुआ तो आनंद खत्म जब किसी भोग में मन एकाग्र हो जाता है तो उससे आनंद का आभास होता है उसमें सुख का आभास होता है और उसके मिलने पर भी यदि चित चंचल बना हुआ है तो कभी आपको आनंद का आभास नहीं होगा तो वस्तुतः तो कहीं भी आपको आनंद की अनुभूति हो रही है सुख की अनुभूति हो रही है वह अनुभूति वो भोग से मिलने वाला नहीं है किंतु वह अनुभूति है चित्त की एकाग्रता का और अपने मन को ऐसा बना लिए निर्मल विकार रहित तो हर समय आनंद हर समय आनंद हर समय प्रसन्नता तो हर समय स्वर्ग किसी भी भोग से मिल के मिलने पर चित्त में जो एकाग्रता आती है उसे आनंद तो हुआ लेकिन उस भोग के संबंध से चित्त में जो तृष्णा बन गई अब आदत बन गई तो अब वो चंचलता फिर बनेगी वह और क्लेश हो जाएगा लेकिन चित्त की निर्विकारता का जो सुख है चित्त की स्थिरता का जो सुख है उसमें तृष्णा नहीं बनेगी आदत नहीं बनेगी वासना नहीं बनेगी स्थिर सुख सुख साहब कहते हैं स्वर्ग चाहते हो तो वह बाहर कहीं भटको मत सबसे कहते हैं ना कि पुण्य जो आदमी जितना पुण्य करता है उसको उतना बड़ा स्वर्ग मिलता है सीधा अर्थ क्या है सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है मन का विकारी बने रहना सबसे बड़ा पाप है अब यही है नरक जितना ज्यादा विकार मन में उतना ज्यादा नरक का अनुभव दुख का अनुभव और सबसे बड़ा पुण्य क्या है चित्त को पूरी तरह से निर्मल कर लेना स्वस्थ कर लेना जितना चित्त निर्मल उतना स्वरक का अनुभव उतने प्रसन्नता का अनुभव ये जीते जीते कोई भी आदमी प्रयोग करके देख सकता है जितना जितना चित्त निर्मल होता जला जाएगा शांत होता चला जाएगा उतनी उतनी अंदर की प्रसन्नता आनंद बढ़ता चला जाएगा स्वरक प्राप्ति होती चली जाएगी इसकी विपरीत जितना जितना चित्त विकारी होगा चंचल होगा उतना दुख क्लेश पीड़ा नरक का अनुभव होता चला जाएगा चाहते क्या है नरक से बचना चाहते हैं तो चित्त को विकारी न बनाए चंचल न बनाए अशांत न बनाए किंतु चित्त को एकाग्र बनाए चित की चंचलता को मिटाएं चित्त को निर्विकार बना लें, स्वर्ग और मोक्ष दोनों का अनुभव इसी जीवन में हो सकता है और यदि आज स्वर्ग का अनुभव नहीं हुआ आज मोक्ष का अनुभव नहीं हुआ तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद मोक्ष मिलेगा इसका क्या विश्वास इसलिए सदगुरु कहते हैं जियत न तरे मुए का तरी हो जीते ही जो न तरे यदि जीते जी नहीं तरे हो जीते जी अपने को वासना से मुक्त नहीं के बंधनों से मुक्त नहीं के मरने के बाद क्या करोगे जीते जी मुक्त और जीते जी मुक्ति का अर्थ क्या है आत्मस्वत हो जाना अपने आत्मा में लौट आना मन को पूर्ण निर्मल निर्विकार बना लेना शांत बना लेना इसलिए हम सब जो कुछ करें जो आदमी है जहाँ हैं जैसी ड्यूटी है जो कुछ करें सब में एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा चित्त निर्मल निर्विकार और शांत होता चला जाए ये लक्ष्य रखें सामने ये उद्देश्य जब सामने बना रहेगा तो हमारी हर क्रिया हमारा खाना पीना सोना जागना बात व्यवहार करना काम धाम करना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो जाएगा लेकिन यह उद्देश्य सामने नहीं रहता हम इसको भुला देते हैं इसलिए बहुत कुछ करने के बाद भी दुख और पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाते तो चित्त की निर्मलता चित्त की एकाग्रता चित्त की स्वस्थता चित्त का मन का अपने और लौट आना यही सबसे बड़ा पुण्य है और यही इसी में ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ